रायपुर के नंदन स्टील कंपनी के कर्मचारी से 26 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। और पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कंपनी का ही कैशियर है। टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी हरीश और हेमंत की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 लाख रूपये और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। SSP आरिफ शेख ने कहा है कि 15 नवम्बर को क्राइम ब्रांच का गिरोह बताकर कारोबारी के हेल्पर से 26 लाख रुपए ठग लिए गए थे और पुलिस ने हर एक CCTV फुटेज को खंगाला था। उसके बाद ये पूरी स्टोरी सामने आई है, जिसके बाद टीम ने गुजरात अलाहाबाद से आरोपियों को धर दबोचा। इसमें विवेचना हम लोग कर रहे थे, ये एक ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें क्राइम ब्रांच का गिरोह बता के इन्होंने एक जो हेल्पर है प्रार्थी के, उनसे करीब 26 लाख रुपीस जो है वो ठग लिए थे। और उसके पश्चात जो है फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग हुई थी और उसके बाद हम लोग विवेचना में लगे थे। पुलिस ने इसमें काफी अथक मेहनत करके करीब 70 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वो ऑन रोड हम लोगों ने खंगाला था। हर एक CCTV फुटेज को हम लोग ने चेक किया था, उसके बाद ये स्टोरी पूरी बनी थी। उसके बाद टीम ने मेहनत करके गुजरात और उसके बाद में अलाहाबाद, यहाँ से भी आरोपी इसमें पकड़े हैं।